अप्रैल का महीना था, साल 1997 चल रहा था। एक वक्त पर इंदिरा गांधी के खासम खास नेता और मंत्री रह चुके इंद्र कुमार गुजराल अब संयुक्त मोर्चा गठबंधन का हिस्सा थे। उसी समय कांग्रेस ने एचडी देवेगौड़ा सरकार गिराने की पूरी तैयारी कर ली थी। देवेगौड़ा पहले से जानते थे कि उनकी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, इसी वजह से वो सिर्फ एक सूटकेस में कुछ कपड़े लेकर दिल्ली आए थे। अब संयुक्त मोर्चा गठबंधन के अंदर साल भर में ही फिर से प्रधानमंत्री के लिए रेस शुरू हो चुकी थी और इस रेस में सबसे आगे निकले इंद्र कुमार गुजराल, जो इस फैसले से बेखबर थे और अपने घर पर चैन की नींद सो रहे थे। उसी समय संयुक्त मोर्चा के कुछ नेता उनके घर पहुंचे, उनके कमरे में गए, उन्हें नींद से जगाया और बोले, उठिए जनाब, आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। प्रधानमंत्री पर हमारी स्पेशल सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी देश के 11वें प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की, और आज बात करेंगे देश के 12वें प्रधानमंत्री यानी इंद्र कुमार गुजराल की। साल 1996 में नरसिम्हा राव की सरकार जा चुकी थी। संयुक्त मोर्चा के सभी नेताओं में प्रधानमंत्री बनने की होड़ थी। 96 के लोकसभा चुनाव में 161 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लिहाजा अटल बिहारी वाजपेयी को तब देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन 13 दिन में ही उनकी सरकार गिर गई। अब फिर संयुक्त मोर्चा में महामंथन होने लगा और कर्नाटक के सीएम एचडी देवेगौड़ा का नाम इस बार निकलकर सामने आया। कांग्रेस ने बाहरी समर्थन दिया और 1 जून 1996 को जनता दल के देवेगौड़ा देश के 11वें प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो जानते थे कि कांग्रेस ज्यादा दिन सरकार नहीं चलने देगी, और हुआ भी वही। 10 महीने बाद कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और देवेगौड़ा की सरकार गिर गई। अब एक ही साल के अंतराल में तीसरी बार प्रधानमंत्री के नाम की चर्चा होने लगी। इतिहासकारों की माने तो आई के गुजराल के पीएम बनने का कोई चांस नहीं था। इस रेस में मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, सीताराम केसरी, जी के मुपनार जैसे कई बड़े नेता पहले से आगे थे, लेकिन एक दूसरे की टांग खींचने वाले इन नेताओं में से किसी के नाम की सहमति नहीं बनी। आई के गुजराल की किस्मत ने उनका साथ इसलिए दिया क्योंकि एक तो वो आजादी के पहले से राजनीति से जुड़े हुए थे और कांग्रेस में रहते हुए कई बड़े विभाग संभाल चुके थे, और दूसरा उनकी हर किसी से अच्छी बनती थी। हर पार्टी में उनके दोस्त और चाहने वालों की कमी नहीं थी और इसी बात का उन्हें फायदा मिला। हालांकि मुलायम सिंह यादव उनके खिलाफ थे, लेकिन ज्योति बसु ने उन्हें मना लिया। सीताराम केसरी भी गुजराल को अपना दोस्त मानते थे, इसलिए वो भी इस नाम का विरोध नहीं कर पाए और बाहरी तौर पर समर्थन दे दिया। इस तरह 21 अप्रैल 1997 को आई के गुजराल ने भारत के 12वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और वो करीब 12 महीने तक पीएम पद पर आसीन रहे। गुजराल साहब की जिंदगी और राजनीतिक सफर पर अगर नजर डालें तो पता चलता है आई के गुजराल का जन्म साल 1919 में झेलम में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटी उम्र में ही वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। 1942 में भारत जोड़ो आंदोलन के वक्त जेल गए। साल 1945 में उन्होंने शीला गुजराल से शादी की। 1964 में INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। इंदिरा सरकार में करीब 2 साल सूचना और प्रसारण मंत्री रहे। 1976 में सोवियत संघ यानी आज के रूस के राजदूत बनाए गए। गांधी परिवार से मनमुटाव के चलते 1980 में कांग्रेस छोड़कर जनता दल में शामिल हो गए। 1989 में जालंधर से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। 1991 में पटना से लोकसभा चुनाव लड़े, जीते भी, लेकिन अनियमितताओं के कारण चुनाव रद्द कर दिया गया। 1996 में एचडी देवेगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री बनाए गए। 1997 में भारत के प्रधानमंत्री बने और करीब 1 साल बाद इनकी सरकार गिरा दी गई। आई के गुजराल भले ही साल भर के लिए देश की सत्ता पर काबिज हुए थे, लेकिन छोटे से शासनकाल में उन्होंने कई बड़े काम किए थे। पत्रकार सैकत दत्ता बताते हैं कि आई के गुजराल नए नए पीएम बने थे। उन्होंने रॉ के चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों को अपने ऑफिस में बुलाया और निर्देश दिया कि पाकिस्तान में अपनी गतिविधियां बंद कर दें। पाकिस्तान के लिए नर्म रुख को लेकर एक बार द टेलीग्राफ के पत्रकार KP नायर ने उनसे सवाल किया कि आप पाकिस्तान को लेकर काफी नर्म हैं, इस तरह तो आप पाकिस्तान के साथ काम नहीं कर सकते। सवाल सुनते ही गुजराल साहब भड़क उठे और बोले, आपको क्या लगता है मैं पाकिस्तान को कुछ दे दूंगा?
मैं भी उतना ही राष्ट्रभक्त हूँ जितना कोई दूसरा हो सकता है। दरअसल आई के गुजराल ने भारतीय विदेश नीति को कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे। देवेगौड़ा सरकार में विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने भारत को कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पर साइन नहीं करने दिया था और उनके इसी फैसले की वजह से आज भारत खुद को परमाणु शक्ति बनाने में कामयाब हो पाया है। गुजराल साहब का एक सिद्धांत ये भी कहता है कि अगर किसी देश को इंटरनेशनल लेवल पर अपना दबदबा कायम करना है तो उसे अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने होंगे। पहले विदेश मंत्री और फिर प्रधानमंत्री रहते हुए वो हमेशा चाहते थे कि भारत मालदीव्स, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान जैसे पड़ोसी देशों का भरोसा जीते। पड़ोसी देशों के साथ जो भी विवाद है उन्हें टेबल टॉक से सुलझाया जाए। अगर किसी पड़ोसी को मदद चाहिए तो उसके बदले कुछ लेने की उम्मीद ना करें, तभी हम खुद को मजबूती के साथ खड़ा कर सकते हैं। वो अपने काम और ईमानदारी को लेकर इतने सख्त थे कि कांग्रेस में होते हुए भी गांधी परिवार के गलत फैसलों के खिलाफ बोलने से हिचकिचाते नहीं थे। साल 1973 से 75 तक वो इंदिरा सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। इमरजेंसी के वक्त इंदिरा के छोटे बेटे संजय गांधी पर कई बार लोगों से जातियां करने के आरोप लगे थे। इसकी जांच के लिए शाह कमीशन बनाया गया। इसी कमीशन पर जग्गा कपूर ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था व्हाट प्राइस परजरी फैक्ट्स ऑफ द शाह कमीशन। उस किताब में कपूर लिखते हैं, उस समय गुजराल इंदिरा गांधी सरकार में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। संजय गांधी ने उन्हें आदेश दिया कि आकाशवाणी में पढ़ी जाने वाली खबरों को सेंसर किया जाए और प्रसारण से पहले सारे समाचार बुलेटिन मुझे दिखाए जाए। गुजराल ने कहा, सूचना और प्रसारण मंत्री हूं मैं, क्या सही है क्या गलत मैं देख लूंगा। ये सुनते ही इंदिरा के सामने संजय आई के गुजराल से बहस करने लगे। इंदिरा ने अपने बेटे को चुप कराया और गुजराल वहां से चले गए। इसके कुछ दिन बाद गुजराल को पीएम हाउस बुलाया गया, लेकिन जब तक गुजराल वहां पहुंचे इंदिरा गांधी पीएमओ के लिए निकल चुकी थीं। तभी संजय गांधी वहां आए और झल्लाते हुए गुजराल से बोले, देखिए ऐसे नहीं चलेगा। इस पर गुजराल ने कहा, आपको बात करनी है तो थोड़ा सलीका सीखिए, आपको ये तक नहीं पता कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, मैं आपकी माँ का मंत्री हूँ, आपका नहीं। बस फिर क्या था, कांग्रेस में रहते हुए कोई गांधी परिवार के खिलाफ कैसे बोल सकता है। लिहाजा इस घटना के कुछ दिन बाद ही गुजराल से सूचना प्रसारण मंत्रालय छीन लिया गया। इसके बाद 1976 में आई के गुजराल को मॉस्को में भारत का एम्बेसडर बनाकर भेजा गया। वहाँ भी कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दरअसल एक दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सोवियत संघ के दौरे पर पहुंची थी। उनके स्वागत में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें गुजराल भी शामिल थे। उन्होंने अपने हाथ में HMT की घड़ी पहनी थी जो उस वक्त सोवियत संघ के प्रमुख ब्रेजनेव को काफी पसंद आई थी। ब्रेजनेव ने कार्यक्रम में बैठे बैठे इंटरप्रेटर के जरिए गुजराल से घड़ी के बारे में काफी सवाल पूछे। इंदिरा भी ये सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने हिंदी में गुजराल से कहा, आप अपनी घड़ी उतार कर इन्हें दे दो। लेकिन गुजराल ने ऐसा नहीं किया। इंदिरा ने दोबारा बोला, आप देते क्यों नहीं हैं, अपनी घड़ी दे दो इनको। तब गुजराल ने इंदिरा और ब्रेजनेव से इंटरप्रेटर के जरिए कहा, डिप्लोमेटिक एटिकेट्स की वजह से मैं इस समय बंधा हुआ हूँ और चाहकर भी अपनी घड़ी आपको गिफ्ट नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी एक घड़ी आपको जरूर भिजवा दूंगा। बाद में उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए ब्रेजनेव को उस तरह की कई घड़ियां भिजवाई। डिप्लोमेटिकली उन दिनों आई के गुजराल का कोई सानी नहीं होता था, इसी वजह से उन्हें एक बार सद्दाम हुसैन ने गले लगा लिया था। दरअसल गुजराल की बायोग्राफी मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन में वो खुद बताते हैं, इराक और कुवैत के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, तब मैं विदेश मंत्री हुआ करता था। जब सद्दाम हुसैन से पहली बार मिला तो वो खाकी वर्दी पहने हुए थे, उनकी कमर पर पिस्तौल लटक रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया। देश और दुनिया के कई अखबारों में उस मुलाकात की तस्वीर छपी और लोग सवाल खड़े करने लगे। वो तस्वीर देखकर ये मैसेज गया कि जिस सद्दाम हुसैन की पूरी दुनिया में निंदा हो रही है उसे भारत के विदेश मंत्री गले लगा रहे हैं। हालांकि उनके बचाव में खाड़ी देशों के संयुक्त सचिव KP फैबियन ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर किसी देश का प्रमुख आपको गले लगाना चाहे तो आप उसे मना थोड़ी कर सकते हैं। खैर उस मुलाकात का मतलब पूरी दुनिया को बाद में समझ में आया जब गुजराल ने कुवैत में फंसे 1,70,000 भारतीयों को सुरक्षित देश वापसी कराई। उन दिनों वो इस तरह का सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन था और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था।
आईके गुजराल के जितने चाहने वाले थे तो कुछ ऐसे भी थे जो उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्हीं में से एक थे सीताराम केसरी, जिन्होंने एक बार तो उन्हें समर्थन देकर सरकार बनाने में मदद की थी, लेकिन अंदर से वो खुद पीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के सबसे वफादार नेताओं में से एक प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब द कोएलिशन ईयर्स 1996 टू 2012 में लिखा, सीताराम केसरी सालों से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। गिरती और बिगड़ती सरकारों की वजह से उन्हें अपना सपना पूरा होता दिखाई भी दे रहा था। वो बस एक बहाने के इंतजार में थे और तभी राजीव गांधी की हत्या से जुड़ी जैन कमीशन की इंटरनल रिपोर्ट सामने आई, जिसमें खुलासा हुआ कि डीएमके और इसके नेता लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन को बढ़ावा दे रहे थे। हालांकि राजीव की हत्या में किसी भी नेता या डीएमके का नाम साफ तौर पर सामने नहीं आया था। उस वक्त गुजराल की संयुक्त मोर्चा सरकार में डीएमके भी प्रमुख पार्टियों में से एक थी, जबकि कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी। कांग्रेस चाहती थी कि डीएमके पर कार्रवाई हो, लेकिन गुजराल नहीं चाहते थे कि सरकार की विश्वसनीयता पर कोई आंच आए। बस सीताराम केसरी को जिस बहाने की तलाश थी वो उन्हें मिल गया। वो अब गुजराल सरकार से समर्थन वापस लेना चाहते थे, लेकिन सीडब्ल्यूसी के ज्यादातर सदस्य इसके खिलाफ थे। फिर भी कांग्रेस अध्यक्ष केसरी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए समर्थन वापसी का प्रस्ताव पास करा लिया और इस तरह करीब 12 महीने बाद इंद्र कुमार गुजराल की सरकार भी गिरा दी गई और फिर से सत्ता लोभी रेस शुरू हो गई। लेकिन दो बार चलती हुई सरकार गिराने वाले सीताराम केसरी भी कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अगले एपिसोड में देश के 13वें प्रधानमंत्री की बात करेंगे। तब तक आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।